गाइज हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज गाइज हम लोग बातें करने वाले हैं एम कैफीन नेग्ड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब के बारे में। तो गाइज मैक कैफीन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अमेजोन पर भी ये मिलते हैं, नायका पर भी आपको मिल जाते हैं। तो जहाँ से भी आपको जो भी इसकी रेंज अच्छी लगे, जो भी प्रोडक्ट्स इसका अच्छा लगे, वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये वाली जो रेंज है गाइज नेग्ड एंड रॉ कॉफ़ी की, तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। जैसे कि आप ये मेरा पैक दे सकते हैं, ये नेट 100 ग्राम्स का पैक है इसका नेट वेट जो है। एंड इसका जो प्राइस है गाइज वो 449 रुपीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंजीनियर्ड इन इंडिया। तो ये इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एम कैफीन के, ये सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं गाइज। एंड ये वाला जो बॉडी स्क्रब है, ये बेस्ट बॉडी स्क्रब है। इससे पहले मैंने एक दो बार बॉडी स्क्रब्स लिए भी हैं, बट मैं कभी भी उन्हें फिनिश नहीं करती हूँ। जैसे ही मतलब मैंने उसे लिया, दो तीन बार लगाया, उसके बाद नहीं होता है कि मैं इसको दोबारा, हमेशा यही होता है मतलब कि डेट वगैरह निकल जाती है और मैं उसे फिर फेंक देती हूँ डेट निकलने के बाद, क्योंकि गाइज वो किसी भी यूज़ का नहीं रहता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है गाइज, ये एम कैफीन के, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये SLS फ्री हैं, FDA अप्रूव्ड हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, साथ ही साथ गाइज ये एनिमल टेस्ट फ्री हैं, बिल्कुल से वेगन प्रोडक्ट्स हैं, 100% वेगन प्रोडक्ट्स होते हैं ये एम कैफीन के। और ये वाली जो एक रेंज है गाइज नेग्ड एंड रॉ कॉफ़ी की, तो जो भी कॉफ़ी लवर्स हैं आप लोग इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट है गाइज ये कॉफ़ी लवर्स के लिए। तो इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे ही इसको ओपन करते हैं गाइज, तो बहुत ही सूदिंग सी अरोमा आती है गाइज कॉफ़ी की। मतलब आप इसको जब अप्लाई करेंगे ना, तो एक कप कॉफ़ी ज़रूर से आप ले करके बैठिएगा, बिल्कुल आपका जो है वो कॉफ़ी वाला मूड हो जाता है। बहुत अच्छी सूदिंग स्मेल है गाइज, अप्लाई करने में ही इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं बात करूँ गाइज इसकी, तो ये यहाँ पर इसमें मेंशन किया है, यस ये इस तरफ मेंशन किया है गाइज, कॉफ़ी विद कोकोनट। तो इसमें गाइज अरेबिका कॉफ़ी का यूज़ किया है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो डे बाय डे ग्लोइंग होती जाती है। साथ ही इसमें है कोकोनट, तो इसको अप्लाई करने के बाद में आपकी जो स्किन है वो रफ़ फील बिल्कुल भी नहीं होती है। मैंने आपको बताया मैं पहले कई बारी ले चुकी हूँ, लगता है कि हाँ मुझे भी स्क्रब लेना है, मैं भी बॉडी स्क्रब करूँगी, बट हर बार अप्लाई करने के बाद में स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा रफ़ हो जाती है, या जो इनमें क्योंकि मैंने पहले लिए हैं उनमें होता है कि शुगर है, उसकी वजह से मुझे तो कई बार स्किन पर रैशेज़ वगैरह भी हो गए, जिसके बाद मैंने दोबारा उसको अप्लाई ही नहीं किया। और वही हुआ है कि एक डेढ़ साल बाद गाइस बाथरूम में पड़े पड़े उसकी जो है डेट निकल जाती है और फिर वो मुझे फेंकना पड़ जाता है। इसको जब गाइस मैंने लिया, क्योंकि मैं एम कैफीन का जो है फेस मास्क यूज़ करती हूँ, इसका फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने बॉडी स्क्रब देखा तो मैंने ये बॉडी स्क्रब भी लिया इसका। तो गाइज़ इसको अप्लाई करने में ही इतना ज़्यादा सूदिंग लगता है, ये स्किन को बहुत अच्छे से जो है ये क्लीन करता है, बिल्कुल भी ऐसा हार्श नहीं लगता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो रहे हैं वो कहीं भी आपकी स्किन पर रैश कर देंगे या मतलब बिल्कुल भी स्क्रैच कर देंगे, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। साथ में है कोकोनट, जब भी आप स्क्रब करेंगे उसके बाद में होता है कि कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपनी बॉडी पर जो है अप्लाई करें, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद में मुझे कोई भी इस तरीके का मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं हुई है गाइज, क्योंकि इसमें कोकोनट है। इसको अप्लाई करने के बाद में आपकी जो स्किन है वो ड्राई बिल्कुल भी फील नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपकी स्किन हो जाती है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन जो है वो फील होती है। ये किसके साथ में गाइज, ये एक इसका स्पैटुला आता है, आप देख सकते हैं वुडन है ये वुडन स्पून, तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं कोई और मेटल की स्पून वगैरह लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। जब आप इसे बाथरूम में रखते हैं तो ये वुडन स्पून भी रखी हुई जो है बहुत ज़्यादा अच्छी एक क्लासी लुक देती है आपके बाथरूम को। तो ये आपको अप्लाई करना होता है वंस इन अ वीक, तो मैं इसको वंस इन अ वीक ही कर रही हूँ, तो मैं आपको भी वही बोलती हूँ कि वंस इन अ वीक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक स्मेल आती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है गाइज़, और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस करती है और बहुत ही अच्छे से नॉरिश करता है, क्योंकि इसमें कोकोनट का यूज़ हुआ है, अरेबिका कॉफ़ी का यूज़ हुआ है। तो बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए बेस्ट है गाइज ये, आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आई होप कि मेरा ये जो रिव्यू है गाइज ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।